जी स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हकीम साहब, मेरे सीने पे ना प्लानिटी है। सीने में दर्द है? जरा जोर से बोल सकते हैं तो बोलिए। वैसे जलन है, सीने में जलन है, गैस उबलती है, वो गरम गरम साथ आते है और उल्टी हो जाती है, कितनी बार खड़ा नहीं कर पा रहा मैं। हाँ देखिए, काफ़ी परेशानी है। जो दवाई लेते हैं वो तो लिए हैं, लेकिन अगर आप ये आता है गॉन मोरिंगा, सफ़ेद वाला गॉन मोरिंगा सफ़ेद, और ये रोज़ाना एक बार या दो बार नारियल पानी में डालकर पी लें, तो ये देखिए ख़त्म तो फौरन ही हो जानी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा दिन तक इसको लें ताकि इस मर्ज से आपको निजात मिल सके। जी बात करते हैं अगले कॉलर से, दिल्ली से हैं यशपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी यशपाल जी, सवाल करिए। मेरा मैडम जो हार्ट बीट ना सवेरे सवेरे कम हो जाती है। हार्ट बीट कम हो जाती है? कितनी कितनी आयु है आपकी और कब से ये परेशानी है? ये 15-20 दिन से हो रही है। 20 दिन से? 15-20 दिन से हो रही है, 54 एज है। 15-20 दिन से हार्ट बीट कम हो जाती है। एज 54। हाँ देखिए, खूब ख्याल करिए, ये 54 की उम्र जो है, यहाँ हमारे दिल का प्रॉब्लम होता है, पता हो या ना हो। आपको पता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और खाना थोड़ा ताकतवर खाइए, ब्लड प्रेशर पर नज़र रखिए, और जैतून का सिरका अगर मिल जाए आपको, जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पीजिए, ये आपकी हार्ट बीट के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके दिल के लिए, आपके बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छा है। एक बार या दो बार छोटे चाय के चम्मच जैसे कहते हैं टीस्पून पानी में मिलाकर ही पिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है, पानी में मिलाकर पिएंगे तो हल्का हो जाता है, फिर इससे आप रोज़ाना पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मुमकिन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये उपचार अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब से आपने जाने हैं। दर्शकों, आप लोग भी इसी तरह से रोग संबंधी प्रश्न कर सकते हैं, नुस्खे बेहतरीन जान सकते हैं, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा सा प्रयास, एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत अगर आप लोग होना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। मैं नमस्ते। नमस्कार। अदब। मैं गैस बताई थी आपको, दवाई भी बताए थे गौंसिया, तो उसका क्या करना है, और धनिया सौंफ भी बताए थे, उसका क्या करना, भूनना है कि ये कैसे पीस कर पाउडर बनाना, ये पूछना था हकीम साहब से। देखिए आप लिखेंगे नहीं तो परेशानी यही रहेगी कि आप इस्तेमाल कैसे करें। आपको देखिए इस्तेमाल कैसे करना है, लिख लीजिए, सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी 200 ग्राम खरीदें, इसको पाउडर बनाएं, और ये गौंसिया जो है असली वाला लें और इसको अलग से पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच ये जो पिसा हुआ मटेरियल मैंने बताया था, सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी का, ये खाएं, और इसमें 1 चुटकी, ये चुटकी है या 2 चुटकी गौंसिया मिला के खा कर पानी पी लिया करें, या बगैर चर्बी का दूध पी लिया करें, या शुगर नहीं है तो जूस भी पी सकते हैं। ऐसा दिन में 2 बार करना है खाना खाने के बाद। अगर आपने लिख लिया है तो आपके लिए कामयाबी है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको विस्तार से बता दिया। जी शिमला से अगले कॉलर हैं सत्या मेहता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, अच्छा जी बताइए।
हाँ जी, मेरे को ना एसिडिटी है, मैंने काफी सालों से, कोई 50 साल से खाना खाया नहीं, खट्टा हो जाता है, पेट भारी भार रहता है और सिर को गैस चढ़ती है, फिर दर्द हो जाती है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 72 साल की है। ठीक है, 50 साल से देखिए आप तकलीफ उठा रहे हैं, तो मुझे 2-4 महीने तो दीजिए। ठीक है, आपको लेना है, लिख लें आप, देखिए लिखेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं आपका, मैं तो बोल कर चला जाऊंगा, आपको याद कुछ नहीं रहेगा, तो लिख लीजिए सौंफ, धनिया, आंवला, ये सूखा मिलता है सब, सौंफ दाना, धनिया का दाना, आंवला सूखा हुआ और मेथी, ये 200-200 ग्राम ख़रीदें, इनको पाउडर बनाएं और इसमें मिलाना है नमक, जैतून, नमक आता है एक, यानी एक रसायन आता है जैतून का जिसे नमक जैतून कहते हैं, देखने में बिल्कुल नमक जैसा और स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसमें 150 ग्राम मिला दें, पाउडर को मिक्स करें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आप पानी से लिया करें और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें। देखिए आपको फ़ायदा बहुत जल्दी होना चाहिए, लेकिन आपको ये सारा मटेरियल ख़त्म होने तक खाना है ताकि ये 50 साल बीमारी आपकी 2-3 महीने में जा सके। जी, बनारस से अगली कॉलर है सीमा, स्वागत है सीमा जी। नमस्कार। हकीम साहब को बहुत बहुत प्रणाम। आदाब आदाब, बहुत बहुत आदाब, आपके पूरे घर को सलाम। अरे हकीम साहब, हम आपका 2-3 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं, कॉल आपका लगता ही नहीं। चलिए आज मिल गया, आपकी शिकायत दूर हो गई, अब आप अपना सवाल कर लीजिए। जी जी, मेरा उम्र है 62। और मेरे परेशानी ये है, मैं करीब 32-35 साल से कमर का पेशेंट हूँ, और स्पाइनल में मेरे हम प्रॉब्लम बना रहता है। शुरू में हम ऐसा हो रहा था कि हम एकदम झुक जा रहे थे। ठीक है, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। उसके बाद मैं एलोपैथिक दवा कुछ दिन कराया, 6 महीना बेड पे रही, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक हुई तो मैंने होम्योपैथ का सहारा लिया, और आज 36 साल से मेरा दवा चल ही रहा है हकीम साहब, और हम दवा लेते ले ही रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन सुबह जब हम सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत करके उठे और हमको चलने फिरने में परेशानी होता है, और हम बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, फिर चलते चलते फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है। मैं ये समझ गया, बड़ी परेशानी। मैं समझ गया जी आशा जी, और आप यकीन रखें कि अगर आप 35 साल पहले यूनानी में आ जाते तो इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। यूनानी अजीबोगरीब इलाज है, और जहाँ आपने देखिए 35-30 साल के, अभी भी एक फ़ोन आया था, वो भी इतने पुराने मरीज थे, तो मैं आपसे 2-4 महीने मांगता हूँ सिर्फ, अगर आपने मुझे दिए, यानी यूनानी को दिए, मुझे क्या चाहिए, यूनानी को चाहिए, तो आप ठीक हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप एक सभ्य परिवार से हैं, और फ़ोन वाकई नहीं लग पाता सबका, मैं भी शर्मिंदा हो जाता हूँ, और हमारे हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं अगर फ़ोन नहीं लगे, क्योंकि हज़ारों कॉल होते हैं। देखिए एक तो वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ज़रूर होगा, मुझे उम्मीद है, उसी का प्रयोग किया करें, और देखिए दो चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको आसानी से मिले और असली मिले वो लेना, गौंसिया आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है, ये काला रंग का होता है, कड़वा इतना होता है कि मैंने अपने जीवन में कोई चीज़ इतनी कड़वी देखी नहीं, काफ़ी कड़वा होता है, और नकली भी मिल जाता है, असली लेना। ये आपको अगर 100-200 ग्राम मिल गया तो सुबह आधा ग्राम नाश्ते के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपको आसानी हो खाएं, और फिर रात को खाने के बाद आप यकीन करें कि ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपके रोग मुक्ति की सलाहियत रखता है, और 5 दिन 10 दिन मुझसे कुछ मत कहना, उसके बाद आप
कह नहीं पाएंगे, इतना फ़ायदा नज़र आने लगेगा। और यह तो असली मिल जाए, ये नकली बहुत मिलता है। या फिर आपको लेना है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, ये आप लीजिए सुबह और शाम इसी तरह, और आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन आपसे मेरे एक निवेदन है कि जब आपको फ़ायदा हो तो आप फ़ोन करके हमें इत्तला देंगे, ताकि हमें भी इत्मीनान हो जाए कि कितनी पुरानी पेशेंट को भगवान ने फ़ायदा दिया। जी, अगली कॉलर है एमपी से ममता साहू जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। डॉक्टर साहब से बात करवाइए। जी मेरा सलाम आपको, आदाब, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब जी, हमको शुगर है और हाथ पैरों में झुनझुनी आती है, कमर में दर्द है, कमजोरी बहुत रहती है और पेट साफ बिल्कुल नहीं होता। उम्र भी बता दीजिए। 40 वर्ष का डॉक्टर। ठीक है, देखिए लिख लें तो आपका फ़ायदा है, अगर लिखेंगे तो सही याद रहता है, वरना हम सोचते हैं इस उम्र में कि हमें याद रहेगा, लेकिन कुछ याद रहता नहीं है। कुछ नुस्खे में कोई गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। देखिए शुगर वगैरह के लिए आपको दवा खाते रहें जो खाते हैं, लेकिन जैतून का सिरका सुबह शाम 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पिया करें, इससे शुगर आपकी एक जगह पर रहेगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शुगर या शुगर की दवाएं, वो दवाएं भी खाते रहें, जैतून का सिरका, ठीक है। अब रही बात, ये आपके पेट को भी अच्छा करेगा और गैस को, कोलेस्ट्रॉल को, दिल का बड़ा ख्याल लगता है, लीवर का, किडनी का बड़ा ख्याल लगता है, तो ये आप लेना शुरू कर दें। अब रही हाथ पैरों की झुनझुनी और दर्द की, तो हाथों में जो झुनझुनी आती है उसके लिए ये एक्सरसाइज ऐसे 3 मिनट करना है रोज़ाना, किस्तों में कर ले, एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो एक तो ये और एक ये, पूरी ज़ोर से इसे मोड़ दें, ऐसे 3 मिनट करना है, चाहे आप 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन 3-3 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज करनी है और आज से करनी शुरू कर दीजिए। अब रही दर्द की बात, दर्द के लिए आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी से बगैर चर्बी के दूध से लें, 5-10 दिन इंतज़ार करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाएं, ताकि आप रोग मुक्त हो सकें। जी, लुधियाना से अगले कॉलर हैं कवल कौर जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आदाब, आदाब, बोलिए। हाँ जी मैम, मेरी बेटी है 12 साल की, उसकी हाइट बढ़ाने के लिए मुझे पूछना है, और मेरा बेटा है, उसके ना सिर में खारिश होती है और वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। जी। बड़ा क्या नहीं करता? बेटे के लिए क्या पूछ रही हैं आप? बेटी के लिए हाइट पूछ रही हूँ मैं। बेटे के लिए? बेटे की सिर में खारिश होती है। और दूसरी चीज? सिर में खारिश होती है, वो 5 साल का है। सर में खारिश होती है, तो बेटे के सर में देसी घी, जो आप लोग बालाई निकालते हैं ना, दूध की मलाई और वो उसे जला के घी निकाल लेते हैं देसी, वो अलग ही रात को या दिन में लगा दिया करें और 8-10 घंटे लगा रहते हैं देसी घी, और फिर वॉश कर सकते हैं, रात को लगाए तो दिन सुबह को नहा ले बच्चा, तो इससे ही ठीक होना मुमकिन है। और आपकी बेटी के लिए भाई सही, बड़े सही वक्त पे फ़ोन किया है, इस उम्र में अगर लिया जाए नुस्खा तो काम करता है, जब ग्रोथ बाकी हो हमारी बॉडी में, रुकी हुई ग्रोथ के लिए एक नारियल पानी रोज़ाना ख़रीदें, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, सफ़ेद वाला गौंद मोरिंगा 0.5 ग्राम उसमें डाल के बच्ची को और रोज़ पिला दिया करें। ये अगर ये मिले नहीं आपको तो गाजर का जूस 1 गिलास निकालें, उसमें 0.5 ग्राम गौंद मोरिंगा मिला के रोज़ 1 बार ही पिला दिया करें, आपकी बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,